शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। फोन केस में छानबीन के लिए अदालत ने 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को उनकी कस्टडी दी है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्म बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करवाने का आरोप है। राज कुंद्रा के केस की जाँच के दौरान एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच उनसे जुड़े कुछ पुराने मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी उठाया है। एक्ट्रेस पूनम पांडे पिछले दो दिन से लगातार राज कुंद्रा को लेकर कई राज खोलती हुई नजर आ रही हैं। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के बारे में ये कहा है कि उन्होंने जब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तब राज कुंद्रा ने उनका निजी नंबर गंदे मैसेजेस के साथ वायरल कर दिया था। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा फोन नंबर इस कैप्शन इस मैसेज के साथ लीक किया। कॉल मी नाउ आई विल स्ट्रिप फॉर यू, ये मैसेज उन्होंने मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ ब्रॉडकास्ट किया था। मैसेजेस के साथ लिखा था कॉल मी नाउ आई विल स्ट्रिप्ड फॉर यू। उसके बाद पूनम को दुनिया भर से फोन कॉल आ रहे थे, उन्हें धमकियां मिल रही थी। उनका कहना है कि उस वक्त मैं छुप के रह रही थी, उन्हें डर था कि उनके साथ कुछ हो जाएगा, कि अगर राज कुंद्रा मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मैं तो भी एक नॉन पर्सनैलिटी हूँ, तो औरों के साथ क्या हो रहा होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दरख्वास्त करूंगी उन सारी लड़कियों से कि आप प्लीज बाहर आएं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप आवाज उठाएं। पूनम पांडे लगातार राज कुंद्रा पर खुलासे कर रही हैं। 20 जुलाई को भी पूनम पांडे ने एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि उन्होंने क्यों राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। एट दिस मोमेंट माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा शेट्टी एंड हर किड्स। I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. पूनम ने यह भी कहा था कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वो अपने बयान को सीमित कर रही हैं। इसके अलावा मुझे अपनी पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर भी पूरा विश्वास है। उनका आरोप था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियोस और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पूनम का कहना था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया था। हालांकि राज कुंद्रा और सौरभ कुशवाहा ने इन आरोपों को नकारा था। आपको बता दें कि साल 2019 में पूनम पांडे ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके साथियों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। उन्होंने राज की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो उनके ऐप को संभाल रहे थे। पूनम ने दावा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी राज की कंपनी अवैध रूप से उनके कंटेंट का इस्तेमाल कर रही थी। पूनम का कहना था कि राज कुंद्रा ने उनके बकाया पैसों का भुगतान नहीं किया है। इसी मामले को लेकर पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। मालूम हो कि इससे पहले शर्लिन चोपड़ा ने भी राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पोर्न इंडस्ट्री में उन्हें लाने वाले राज ही हैं। शर्लिन का दावा है कि राज कुंद्रा उनके हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का पेमेंट करते थे। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। राज कुंद्रा की पोर्न कंपनी ने शर्लिन के अलावा गहना वशिष्ठ, सागरिका सोना, सुमन, पुनीत कौर तक को संपर्क किया था। वहीं इसी साल फरवरी महीने में ही सागरिका सोना सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनको फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और उनसे न्यूड ऑडिशन की मांग की गई थी। राज कुंद्रा पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि बॉलीवुड में काम की तलाश में आई लड़कियों को वेब सीरीज में काम दिलवाने का झांसा देकर पोर्न फिल्मों में काम करवाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।